अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़। मैं हूँ जिशान शहबाज। कराची एंटी करप्शन हकाम का वाटर बोर्ड के मरकजी दफ्तर पर छापा। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन वेस्ट जफर साहब की सरबराही में कार्रवाई की जा रही है। वाटर बोर्ड के 5 से ज्यादा अफसरान से पूछताछ जारी है। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस में तकरीरियां और तबादले। इरफान बहादुर को एसएसपी मलीर, शब्बीर सिठार को एसएसपी बदीन, हसन सरदार को एसएसपी थरपारकर तैनात कर दिया गया है, जबकि एसएसपी अब्दुल्ला अहमद और एसएसपी मलीर ताहिर नूरानी को ओहदे से हटाकर सीपी रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। नॉर्थ कराची सेक्टर 111C में डकैती करते हुए सैयद अबरार उम्र 32 साल गार्ड की फायरिंग से जख्मी हो गया। कराची गिजरी में लैंड माफिया कारिंदों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। कार्रवाई के दौरान 6 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से क्लाशनकोफ और 9mm पिस्टल बरामद। मुलजिमान की निशानदेही पर 2 गाड़ियां भी तहवील में ले ली गई हैं। कराची अंधेर नगरी चौपट राज। कराची डीएमसी मली ने भैंस कॉलोनी में जानवर की एंट्री फीस डबल कर दी गई है। एंट्री फीस गाय की कीमत 500 रुपये और बकरे की फीस 100 रुपये वसूल की जा रही है। व्यापारी मनमानी कीमत वसूल करने से परेशान है। कराची पानी माफिया के खिलाफ UC 28 सेक्टर 50C में और 50D में इलाका मकीन पानी की किल्लत की वजह से परेशान। आइए आपको दिखाते हैं राणा मुस्तकीम की इस रिपोर्ट में। कौमी असेंबली में एक और तारीख साज करारदाद पूरे ऐवान से पास कराई गई, जिससे अब तमाम वफाकी तालीमी इदारों पर लाजिम होगा कि वो कुरान पाक की कौमी जबान उर्दू में तालीम लाजमी देंगे, जिससे हमारी जवान नस्ल कलाम पाक को समझ कर अमल कर सकेगी। इसी के साथ मुझे जिशान शहबाज को इजाज़त दीजिए। देखते रहे JD News। अल्लाह निगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।